मैं कैसा बताऊं, पहले तो कोई इलेक्शन लड़े नहीं और मेरा पहला इलेक्शन है। मैंने न्यू लगा भाई एक तरफा इलेक्शन, पूरा विश्वास है कि बड़ा बड़े के साथ साथ जिस गांव में भी जाता हूं, एक भी गांव ऐसा नहीं है कि जहां पे मतलब कोई ऐसा लगता हो कि कहीं मुकाबले में बात है। जनता का प्यार ही इतना मिल रहा है, इतना आशीर्वाद है कि मेरे को लगता है 24 तारीख को जो लोग ये सोच रहे थे ना भी हमें टिकट नहीं मिलेगी, वो सोचेंगे बढ़िया के बस बहुत है। तो सरकारी सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध है सारा। देखो सरकार की नीति तो कोई है ना, उनकी कोई नीयत है जी। उनका तो एक ही काम है, उनकी एक दुकान है जी। नफरत की जी। अगर उनकी नफरत बिकी तो उनका चल जाता है काम, नहीं अगर अब बंद होगी बिकनी। देखो जो आदमी जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल भुगतना पड़ेगा, जो भाईचारा बिगाड़ेगा समाज को बिगाड़ेगा वो एक बार, कहावत है ना काठ की हांडी दो बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ती, और ये बीजेपी काठ की हांडी है। कहीं ना कहीं भाईचारे को ठेस आई है इनके कार्य के दौरान। बिल्कुल, सब सारी दुनिया को पता है। यूपी में देखो वहाँ तो हिंदू मुसलमान था, या हरियाणा में क्या बैजर में खराबी थी, 36 बरादरी इकट्ठी रह रही थी, इन्होंने सामाजिक ताना बाना इतना बिगाड़ा कि 35 बरादरी बना दी। जो सदियों से चली आ रही सामाजिक यूनिटी थी उसको तोड़ने की कोशिश की। ऐसा काम तो अंग्रेजों ने नहीं किया, मुगलों ने नहीं किया। आपकी तरफ से एकजुटता करने के लिए क्या? देखो इसके दो ही चीज़ें हैं बस, प्यार और इंसानियत, और मैं कोशिश करूंगा भी प्यार और इंसानियत की राजनीति जो है 24 तारीख के बाद हम शुरू करें। वोटर्स को सबको वोटर्स की अपील, वोटर्स तो सपोर्टर ही बन गए। वो तो मेरे को अपील कर रहे भी तू ज्यादा चले नहीं, कभी खराबी आ जाए। धन्यवाद।